सो आज हम खड़े हैं टाटा पंच के सामने, जिसका जो मॉडल है यह है एडवेंचर रिदम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके आसपास का माहौल कितना सुंदर है, उसी के अकॉर्डिंग जो गाड़ी भी है वो भी काफ़ी स्टनिंग और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। स्टार्ट करते हैं हम इसके हेडलाइट से। और जो आप ये देख रहे हैं ये LED में नहीं है, ये हेलोजन बल्ब है। बगल में इसका इंडिकेटर मिलता है और ये आपकी हेडलाइट है। सामने से आप प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम फिनिश में मिल जाता है ये टाटा का लोगो। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हो सकता है ये आप कट पूछे तो यहाँ पे हॉर्न लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो साउंड आपका पास होगा। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी लगती है। और स्टार्ट करते हैं हम इसके टायर से। टायर साइज़ भी आप देख सकते हैं, मैं आपको टायर साइज़ भी एक बार दिखा देता हूँ। तो टायर R15 का टायर है और जो इसके व्हील कवर है वो भी कंपनी फिटेड ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको साइड मिरर में ही मिल जाता है, ये आपका डोर लॉक करने के लिए है, ठीक है। और बात हम आगे करते हैं, ये आपने देखा होगा कि पंच में जो डोर ओपन करने का है वो यहाँ मिलता है। ये कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता, ये पर्सनल चॉइस है। इसमें आप इसको नेगेटिव में भी नहीं रख सकते हैं और पॉजिटिव में भी नहीं रख सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। बात करते हैं इसकी टेल लाइट की। टेल लाइट भी आप देख रहे हैं ये भी हेलोजन में ही है, LED इसमें कुछ नहीं दे रखा है। आई पीछे प्रोफाइल देख लेते हैं। इसमें आपको कैमरा, यस आपको कैमरा इसमें मिल जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये एडवेंचर रिदम मॉडल है। यहाँ पर आपको पंच की बैजिंग मिल जाएगी। और ये ICNG आप देख पा रहे होंगे, ये टाटा ने जो CNG इसमें अपनी निकाली है अपनी गाड़ियों में, तो इसमें आपको CNG मिलती है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको दो सिलेंडर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने सेट कर रखे हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड प्रोफाइल, मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे इन्होंने एक बैजिंग दे दी है इसकी। तो टाटा ने काफ़ी गाड़ियाँ सेल कर दी हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट्स लोकल, सॉरी वोकल फॉर लोकल, जैसे कि आप जानते हैं। और ये था एक छोटा सा रिव्यू। बात करेंगे इसके हम इंटीरियर की भी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। इसमें आपको एक ये टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है, जिसका टच काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव टच है। और यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाते हैं, ये आपकी इंडिकेटर की लाइट है। और ये गियर है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गियर है इसका वो थोड़ा सा हार्ड है लगा है मुझे। और ये सारे इसके बटन्स हैं और ये आपके AC कंट्रोलर, यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाता है। और ओवरऑल लुक देखा जाए तो गाड़ी की लुक इंटीरियर की वो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ड्यूल टोन में कलर दे रखा है इसका, सो इट्स गुड। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पियानो फिनिश भी आपको इसमें मिल जाता है। और ये आपको कंट्रोल्स यहीं स्टेयरिंग में मिल जाते हैं। और जो स्टेयरिंग आप देख रहे हैं डी कट स्टेयरिंग है, जो काफ़ी अच्छा लगता है और होल्ड करने में भी काफ़ी सही लगता है। मैं आपको यहाँ पे इसकी की भी दिखा देता हूँ। सो ये इसकी की है, वही टिपिकल जो टाटा मैक्सिम अपनी गाड़ियों में देता है, तो पंच में भी यही की वो दे रहा है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, की भी इसकी काफ़ी सही लगती है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही लग रही है गाड़ी। और मैं इसका आपको इसका स्पेस भी दिखा देता हूँ, स्पेस भी काफ़ी है इस गाड़ी में। सो ये था इसका इंटीरियर, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो ये था गाड़ी का वॉक अराउंड, जितना हो सके हमने आपको प्रोवाइड करी है इन्फॉर्मेशन। और इसका ओनरशिप रिव्यू भी बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है, और तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइबिंग एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।